तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं बिट्टू? पार्क, कौन से पार्क? मंगलम। मंगलम पार्क जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। भी बड़ा अजीब है। अच्छा तो नाम है क्या? अजीब है। हाँ। किधर है मंगलम पार्क? किधर है हमको तो नहीं पता। तो रास्ता भूल चुके हैं। थोड़ा सा भूल चुके हैं, पूरा भूल चुके हैं। तो बिट्टू को पता नहीं है पार्क, पर बिट्टू को जाना है पार्क। चलो ढूंढते हैं हम लोग। ये भैया जी से पूछे हैं, इन्होंने बताया है कि इधर, मैं काफी टाइम से इधर रहती नहीं हूँ ना, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। सारी भूल चुकी है मौसी। क्या बोल रही बिट्टू? अच्छा वो घर नहीं भूल रहे पर फिर पता है, पता नहीं क्या करना पड़ता। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ। यहाँ का? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? पार्थ किराने स्टोर तो पता है मुझे। अंश, देखो अंश किराना स्टोर, ये सामने। तो यहाँ पे है अंश किराना स्टोर, जो कि है लल्ला की। अंश किराना स्टोर, देखो ये अंश किराना स्टोर भी खोल चुके हैं ना बिट्टू। अंश का बनी वाला कैप। हम लोग चल रहे हैं मस्ती करने बिट्टू की डिमांड पे ना बिट्टू। हाँ, और मेरा हेडफोन वाला मफलर। हाँ, बिट्टू का ये अच्छा सा प्यारा सा। चलिए आगे आगे हम आपको दिखाते हैं कितना कंफ्यूजन के बाद मिलता है हमें, है ना बिट्टू? मंगलम पार्क। मंगलम पार्क। और ये है हमारे रीवा की गलियाँ, जहाँ हम बहुत पहले से रहते थे, है ना बिट्टू? पर न्यू न्यू चीजें बन रही हैं, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए चलते हैं। ज्यादा थक गए बिट्टू? थक गई, बट अभी तक मिला नहीं है मंगलम पार्क। सो सैड। अब यहीं पे पूछते हैं इस दूसरे मफलर वाले से, जो बिट्टू जैसा लगा के रखा है ना, वो तो भग गया। ये छोटे छोटे बच्चों ने बताया है, यहाँ पे जो खड़े हैं आपस में झगड़ा करने लगे हैं, और बकरी करने लगे हैं। मंगलम पांडे पार्क, पता नहीं और पता नहीं कौन से पार्क। मंगलम पांडे पार्क और मंगलम पार्क में कंफ्यूज है। विष्णु पार्क, तो इसी को पार्क बना लो बिट्टू। इसको ये बिट्टू हाय करो। हाय। पहुंच, फाइनली हम पहुंच गए मंगलम पार्क। देखते हैं, अनंतपुर में है, देखते हैं क्या क्या है। पहले तो यहाँ नाली गंदी सी दिख रही है, और सेकंड जो सबसे अच्छी चीज है वो यहाँ पे है, प्यारी सी मंदिर। यहाँ पे है गोबर गंदा गंदा। जय भगवान। चलिए आप लोगों को बैग से दिखाते हैं, जय भोलेनाथ की। अंदर चलते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम कर लो, आओ बिट्टू प्रणाम कर लो पहले। जय भोलेनाथ। अभी हम मंगलम पार्क आए थे, अब हम मंगल पांडे पार्क जा रहे हैं। यहाँ तो कुछ खास नहीं है, बस बच्चों के खेलने का, और सबसे जो खास है वो है मंदिर। अब हम जाते हैं दूसरे पार्क में, और वहाँ पे देखते हैं वहाँ क्या कुछ है। क्या हो गया था? हम अपना भूल गए थे रास्ता। हाँ। उसको नाली में मत गिरा देना। गिरना नहीं, गिरना नहीं। चलो गिराऊंगा थोड़ी। चलो उस वाले पार्क में चलते हैं। बच्चों के साथ मस्ती करने में मजा आ रहा है, बिट्टू के साथ मस्ती करने में मजा आ रहा है, और कल हम चले जाएंगे तो थोड़ा सा सैड मोमेंट होने वाला है। हाँ, कल हम लोग भी जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हम कल साथ में नागपुर जाएंगे, पूरी फैमिली जाएगी, मतलब इधर से मम्मा से लेकर पापा तक। हाँ हाँ, सारे बाहर। कुछ बोलो यार, कैसा लग रहा रीवा घूम के? मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ? बहुत अच्छा लगा, अच्छा ही नहीं लगा, बहुत अच्छा। देखो अपनी बात को कवर अप करते हुए ये बंदा बोल रहा है, पहले अच्छा नहीं लगा, अब बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। पप्पी भी लगा रास्ते में, क्यूट सा पप्पी लल्ला, क्यूट सा। देखो देखो
लल्ला ए हे हे ए लल्ला के पीछे पड़ जा, काट भी सकता है। एक और पार्क हमें मिला है जिसमें कुछ भी नहीं है, चलो देखते हैं। कुछ कुछ दिख रहा है, है चलो उसमें चलते हैं। तो हमें मिला है क्यूट सा पपी और मौसी डर गई और लल्ला लल्ला और बिट्टू हम तो नहीं डरे, वो लल्ला ही। और अच्छा सा पार्क मिला, चलो देखते हैं क्या है। से हम कूद जाए, नहीं नहीं क्या गंदी बात करती है गंदी बच्ची। चलो देखो यहाँ भैया, ये है पार्क मंगल पांडे, मंगल पांडे, और यहाँ पे हो रही है मस्ती। चलो उधर भी गए, बिट्टू को मिल गया है एंट्री गेट। चलो चलो चल, अरे आराम से निकलने दो उनको। हाँ निकलो, बाप रे, ये यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं। ये ये पार्क मिला छोटू सा, चलो इधर से आइए, पानी है इधर। जिम टाइप, अच्छा है अच्छा, यहाँ पे सब लोग जिमिंग कर रहे हैं। बताती हूँ, रुक जाओ, हाँ रुको। अब यहाँ पे मस्ती स्टार्ट हो गई है मेरी और विट्टू की, तो अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं साइकिलिंग। इन्होंने रिकॉर्डिंग की है तो कुछ खास नहीं की है, बाबू बीच में आ रहा था तो हम लोग इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं। अब हम अच्छे से करते हैं, हम और बिट्टू, बिट्टू को ही लेके गए थे एक्चुअली, उसको ही जाना था, नहीं तो हम लोगों का मतलब टाइम नहीं था ज़्यादा। अब अपनी मासा जी के साथ कर रही है वो, तो दोनों खूब मस्ती किए थे और बिट्टू तो बहुत ही ज़्यादा करी थी, बिट्टू के लिए ही गए थे। बाबू भी बहुत ज़्यादा खेल रहा था वहाँ पे, एक भाई छोटा सा बच्चा मिल गया था उसके साथ, और वो बड़े बच्चों के पास भी जा रहा था फुटबॉल लेने के लिए। तो देखिए किसी और की बॉल में हक जता रहा है अपना, और उसके साथ खेलने में भिड़ गया। उसके दादाजी लेके आए थे, वो खड़ा है सामने, वो भी ब्लू कलर का पहन रखा है, एंड ये भी शुरू हो गया था अपना खेलना। तो चिड़िया दिखा रहा था वो छोटा बच्चा, तो मैं ऊपर से चिड़िया रिकॉर्ड कर रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था जाके। और बच्चे भी जब खुश हो जाते हैं ना तो फिर कहीं भी जाओ अच्छा ही लगता है बच्चों की खुशी के लिए। और यहाँ पे ये भी अपना एक्सरसाइज कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे जाके। लेडीज़ लोग भी आती हैं, हाउसवाइफ आती हैं, मतलब जिसको भी टाइम मिलता है अपना थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता है तो थोड़ा रिलैक्स लगता होगा। बाबू खेल रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था यहाँ पे, मैं भी कर रही थी। ये मेरे को बोल रहे थे ऊपर तक ले जाओ, बट मैं इतना ही कर पा रही थी। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी, और अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, सो सॉरी। क्योंकि कोई कोई ऐसे ही मतलब कहीं बिट्टू कर रहे थे और ये बोल रहे थे इस तरह से ऊपर ले जाओ पूरा। मैं 10 की थी और ये 5 भी किए थे, बट ये पूरा ऊपर तक ले जा रहे थे, बोले ऐसे तुम्हारे जैसे करना हो तो मैं तो 20-30 कर लूँ, पर कर नहीं पाए क्योंकि पहले ही कर चुके थे ज़्यादा। और उसके बाद बिट्टू यहाँ पे कर रही है साइकिलिंग, तो यहाँ पे बिट्टू की साइकिलिंग चालू हो गई है। तो कुछ इस तरीके से बिट्टू ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और बिट्टू की मस्ती में जो भी है थोड़ा बहुत, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसको खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, इसीलिए उसकी डिमांड पर हम लोग गए थे। तो उसको हंसता हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी थोड़ी सी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो अगर वो थोड़ा सा भी खुश हो रही थी जो वो कह रही थी वो हम कर रहे थे, भले कैसा भी हो हम करने को तैयार हो जा रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे ही नीचे का रिकॉर्ड हो गया है, तो अब यहाँ पे मैं कर रही थी, तो मैं खुद से रिकॉर्ड की, मैं थोड़ा सा ही कर रही थी, अपने मौसा जी को सिखा रही थी साइकिलिंग। तो वही है, बाबू को भी लेके गए थे और दीदी घर पे थी। दीदी को आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छे से ब्लॉग में, क्योंकि उस ब्लॉग में दीदी हैं। और यहाँ पे मैं बाबू को झूला झूला रही थी। मस्ती हो गई है, अब आपको हमने बहुत और हम दिखा दिए हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
फॉर माय चैनल। तो ओके बाय, सो बाय। तो इनकी तरफ से हो गई है बाय, और जनाब जी भी चल रहे हैं पैदल पैदल। ले लीजिए यार गोदी में, इसको बहुत टाइम लगेगा। इनको तो बहुत टाइम लगेगा, इनको। और हो गई है रात भी, तो चलिए चलते हैं और घर में चल के मिलते हैं। आते आते बिट्टू ने किंडर जॉय चॉकलेट यही सारी चीज़ें खरीदी थी। रास्ते में हम थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे। ये ब्लॉग यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर टू ऑल। मिलते हैं।